मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। बाबा कहते बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती, और उत्तर में बाबा ने समझाया कि कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, और फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। मुरली का गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता है। जितनी प्राइस मिलती है ना, उनको बाबा कहते कितनी ही प्राइस मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना, और तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को ये तो पता ही नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहां से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं, अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उसका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो और बैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो, उसकी नॉलेज तुम्हारे पास है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज है, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्य के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं, और आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटे बड़े नहीं होती। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी। गाया भी जाता है कि बनी बनाई बन रही। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। यह तुम बच्चे जानते हो, मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। मनुष्य को तो इन आंखों से देखा जाता है, बाबा कहते मच्छरों को भी इन आंखों से देखा जाता है।
आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। छोटे से मच्छर को देख सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा को तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो बाबा कहते हैं सत्ययुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीता में कहते हैं हमको भी साथ ले लो, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, सबको निमंत्रण मिलता है। कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। पीस पीस तो सब कहते हैं लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं ना, तो वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पीसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा भी हुआ है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि सत्ययुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में क्षीरखंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है। और यहाँ देखो अभी अभी क्षीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई और फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की हालत देखो। रूहानी संबंध को तो जानते ही नहीं। तुमको पाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है। यहाँ से पाठ बजाने आए हैं, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा, मुख्य है ही हिंदी। तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो ये कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी बात है। किनकी? ब्रह्मा की। इनको तो पहले समझना है ना। तो दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे। गीता में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसी को पता भी नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। यह चरण किसके हैं? किसके हैं चरण? शिव बाबा के। वह तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं। वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो गया है। आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था।
और उन्होंने फिर देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। यह है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहां की बात कहां ले गए हैं, तुम्हारे में भी कोई विरले यह बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। यह ड्रामा में नोंद है। उनों की बुद्धि भी नर्म होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना यह गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया, पांच पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी है, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहां की बात कहां लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। सत्य को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है ही नहीं। एक दम बिंदी है, सूक्ष्म होने के कारण कोई जानते नहीं। भल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है। पांच तत्व हैं, पांच तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एक दम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है। यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। पाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं कि बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं ना कि आज क्लास में क्या हुआ। और यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बाप से वर्षा क्या लेंगे। बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मलकियत की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है, और वह मलकियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है। उसका नशा कोई रख ही ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मलकियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। यह भी लिखा हुआ है कि किसकी दबी रहेगी धूल में और किसकी जलाए आग। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली जाती हैं। विनाश तो अभी होना है, और विनाश के बाद फिर है स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं। वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वो अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे। अब यह पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है, बाप कहते हैं मैं आता हूं तुम आत्मा को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझाते हैं कि तुम हमारे सिकी लदे बच्चे हो, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी।
जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात ही मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं कि भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को और तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं और उसमें पहला पॉइंट, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। और सेकंड पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। और बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है बहुत किया है और मैं इन इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। मुझे बदलना है बस इसी धुन में रहते हैं व दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।